इंद्रेश जी, अजीत दुवाल जी, उपस्थित बहनों एवं भाई, 15 मिनट में मैं कुछ कुछ बातें आपके सामने रखना है। हम राष्ट्र रक्षा सम्मेलन कर रहे हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि राष्ट्र यानी क्या है। राष्ट्र के संबंध में दो प्रकार के विचार हैं। नेशन इज ए पॉलिटिकल कंस्ट्रक्ट और दूसरा है नेशन इज ए कल्चरल कॉन्सेप्ट। लेकिन अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग करते समय हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि हम लोग नेशन, सिविलाइजेशन, इसका जो प्रयोग करते हैं, और रिलीजन, हिंदुस्तान में जो शब्द प्रचलित है धर्म, राष्ट्र और सभ्यता, ये पर्यायवाची नहीं है। दे आर नॉट सिनोनिमस। दोनों के चिंतन में बहुत बड़ा अंतर है। हमारे यहां धर्म रिलीजन नहीं है। धर्म के हमारे यहां चार हिस्से हैं। पहला, मेरा समाज से संबंध, क्योंकि चार प्रकार के अस्तित्व हैं, मनुष्य है, व्यक्ति है, समाज है, प्रकृति है और परमात्मा है। इन सबके बीच में बाधा रहित सामंजस्यपूर्ण व्यवहार होने के लिए जो भी नियम और व्यवस्थाएं हैं वो सब धर्म के अंतर्गत आती है। जैसे व्यक्ति और समाज के बीच में संबंध, तो व्यक्ति और समाज के बीच में संबंध अगर स्थापित करना है तो हमको जोड़ने वाला तत्व कौन सा। पश्चिम के अंदर लोग इस जोड़ने वाले तत्व को नहीं खोज सके। पश्चिम ने, उन्होंने मनुष्य का विचार किया शरीर, मन और बुद्धि। सोक्रेटिस ने कहा मैन इज ए रैशनल बीइंग, वो सोचता है, उसका दिमाग है और वो तर्क कर सकता है, बाकी के प्राणी तर्क नहीं कर सकते, उनको इंस्टिंक्ट दी हुई है, सहजात बुद्धि दी है। उसके बाद में रेने देकार्ते नाम का हुआ, उसने कहा मनुष्य यानी उसका मन, आई एग्जिस्ट बिकॉज आई थिंक, उसने मन को माना। और मार्क्स था जिसने शरीर को माना कि जो कुछ है शरीर है, एक बार शरीर चला गया तो उसके बाद में कुछ नहीं रहता। अब ये तीनों चीजें गलत सिद्ध हो गई। उनके पास मनुष्य को जोड़ने वाला तत्व नहीं है, तो शरीर मन बुद्धि का विचार करते हैं। लेकिन हमारे यहां जो विचार हुआ उसमें कहा कि मनुष्य की एक चौथी अवस्था भी होती है, जब वो गाढ़ी निद्रा में होता है। जब हम जागृत अवस्था में, हम सबके नाम है, हम नाम से एक दूसरे को पहचानते हैं। लेकिन जब हम सोते हैं तो हमारा मन और बुद्धि ये एक स्वप्न लोक की रचना करता है और उसमें विचित्र चीज देते हैं। कई बार हम उड़ रहे हैं, कई बार समुद्र के अंदर तैर रहे हैं, कई बार नीचे डूब रहे हैं, कई प्रकार की चीजें हम अनुभव करते हैं। लेकिन उसके बाद गहरी नींद आ जाती है और गहरी नींद आने के बाद फिर जब हम उठते हैं तो कहते हैं कि वाह बढ़िया नींद आ गई, मजा आ गया। किसको आ गया? आपका शरीर सो रहा था, आप स्वप्न नहीं देख रहे थे, मन और बुद्धि भी सो रहे थे, फिर मजा किसको आया? मुझे। तो मैं शरीर नहीं हूं, मन नहीं हूं, बुद्धि नहीं हूं, उसके परे कुछ। और यही भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियेभ्यः परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धेः परतस्तु सः। इंद्रियों के परे मन है, मन के परे बुद्धि है, और जो बुद्धि के परे है वो मैं। इसको हमारे यहां लोगों ने कहा आत्मा। और ये आत्मा कैसी है? आत्मा निराकार, निर्विकार, निरहंकार, अनादि, अनंत, इट इज इन्फिनिट। और जो इन्फिनिट है तो वो हमेशा इन्फिनिटी रहेगा। इन्फिनिट प्लस इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी, इन्फिनिटी मल्टीप्लाई इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी इन्फिनिटी रहेगी। और इसलिए हम सब उस इन्फिनिट से जुड़े हैं। केवल इतना है कि हमने कितने लोगों के साथ अपनापन स्वीकार किया है। जिसको हम अपना मानते हैं उसके लिए सब प्रकार के कष्ट सहन करते हैं। एक माँ बच्चे को अपना मानने के बाद उसके लिए सब प्रकार के कष्ट सहन करती है।
बच्चा थोड़ा बड़ा होने के पश्चात सारे परिवार को अपना समझता है, क्योंकि परिवार के लोगों ने उसको चलना सिखाया, बोलना सिखाया, पढ़ना सिखाया, बाकी चीज से। तो वो कहता है कि इन सब लोगों ने मेरा जीवन बनाया, इसलिए ये सब मेरे अपने हैं। वो फिर खूब काम करता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सारे गांव के लिए काम करते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो सारे और अपने जिले के लिए काम करते हैं, प्रांत के लिए काम करते हैं, कुछ सारे देश को अपना मान करके चलते हैं। स्वामी रामतीर्थ कहते हैं, मैं भारत हूं, हिमालय मेरा किरीट है, गंगा यमुना मेरे वक्षस्थल के हार हैं, विंध्याचल मेरी कटी मेखला है, पूर्व और पश्चिमी घाट मेरी टांगे हैं, कन्याकुमारी मेरे चरण तल है, मैं जब मेरे सिंध महासागर मेरे चरण तल पखार रहा है, मैं जब चलता हूं तब भारत चलता है, मैं जब बोलता हूं तो सदियों की शाश्वत वाणी मेरे मुख से प्रकट होती है, मैं जब हंसता हूं तो सदियों का आनंद मेरे मुख से प्रस्फुटित होता है, और मैं जब रोता हूं तो सदियों की पीड़ा घनीभूत होकर आंसू बहन करके और मेरी आंख से बहने लगती है, मैं भारत हूं, मैं भारत हूं, मैं भारत हूं। वो भारत के साथ एकरूप हो गए। जब वो पहली बार अमेरिका गए और अमेरिका में उनके भाषण हुए, उसमें वेदांत के ऊपर पहली बार जब उन्होंने बताया, अमेरिका के लोगों को तो पहली बार सुनने के लिए मिला कि शरीर मधु की पड़े भी कुछ है, लेकिन उसके समाचार संक्षेप में इंग्लैंड के समाचार पत्र में छपे। ये 1899-1898 के आसपास की बात है। तो लौटते समय इंग्लैंड होकर है, इंग्लैंड के कुछ सत्प्रवृत्त लोगों ने कहा कि हम आपके भाषण के संक्षेप समाचार सुने हैं, हम आपकी व्याख्यान माला रखना चाहते हैं, क्या रखिए? तो उन्होंने एक व्याख्यान माला रखी, 5 दिन की व्याख्यान माला। वहां उन्होंने वेदांत के बारे में विस्तार से बताया। तो उन लोगों को पहली बार कोई नई बात मिली कि शरीर मनबुद्धि के पीछे कोई दूसरा है। जब समाप्त हो गई तो आए कि स्वामी जी, आपने हमारी आंखें खोली, हमने तो कभी इस बारे में सोचा ही नहीं था कि शरीर बुद्धि के पदे कुछ हो सकता है, हमारी एक छोटी इच्छा पूर्ण करिए, हम आपके साथ फोटो खिंचाना चाहते, खिंचा लो। उनका ऐसे नहीं, पहले आप हमारा वेश पहनिए, हम आपके लिए कीमती से कीमती जूता, कीमती से कीमती मोजे, कीमती से कीमती फुल पैंट, कीमती से कीमती शर्ट, कीमती से कीमती कोट, टाई और हैट लेकर के आए, पहले आप इसको पहन लीजिए, फिर आपके साथ फोटो खिंचाएंगे। स्वामी ने सब पहना, केवल टोप नहीं पहना। देखा उतारो, सफा रहने दिया। स्वामी जी, टोप आपने नहीं पहना है, बड़ा कीमती टोप है, उसमें मोती लगा है, आप उसको पहन लीजिए ना। तो उन्होंने कहा, इंग्लैंड मेरे पैरों के नीचे रह सकता है, लेकिन सिर के ऊपर तो हमेशा भारत ही रहे, भारत के साथ ही प्रूफ। और उसके आगे चलकर के स्वामी विवेकानंद उसके पहले, और जब उन्होंने कहा कि सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, 3 बार उनको कहा गया बना किया, क्योंकि उनको लग रहा था मैं तो तैयारी करके नहीं आया, 4थी बार कहा आप नहीं बोलेंगे तो आपको बोलने नहीं दिया जाएगा। तो मां काली का स्मरण किया, रामकृष्ण मनुष का स्मरण किया, और पहले शब्द निकले सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। दूसरा दिन न्यूयॉर्क टाइम्स में शीर्षक में आता है, हम अपने पादरियों को इन देशों में क्यों भेजते हैं, वहां का एक सन्यासी आकर हमको भाई कहता है, हमको बहन कहता है, बाकी सब लेडीज एंड जेंटलमैन कहते थे, तो उन लोगों को यहां पर आना चाहिए। वसुधैव कुटुंबकम। और उसके एक कदम आगे रामकृष्ण परमहंस एक दिन बैठे थे, बातचीत चल रही थी, अचानक जोर जोर से चीखने लगे, मैं दब गया, मैं दब गया, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। नहीं, यहां बैठे हैं, कौन दब रहा है महाराज, कौन दब रहा है? डॉक्टर आए, नाड़ी वाड़ी देखी, सब ठीक चल रही है। थोड़ी के बाद में सामान्य। तो कहने का मतलब यह है कि फिर यहां पर वो हुआ, वो जो मोपला के समय में जो हिंदुओं के ऊपर कत्लेआम हुआ है, जबरदस्त हुआ उस समय पर। एनी बेसेंट ने कहा कि उस समय 1500 हिंदू मारे गए और 20,000 महिलाओं का अपहरण हुआ और बच्चों की तो संख्या असंख्य थी, 3 करोड़ की संपत्ति लूटी गई। लेकिन कांग्रेस ने उसको ये किया क्योंकि हमारे यहां ये जो अहिंसा है इसको जो है बड़ी अत्यंत ही आत्यंतिक रूप में लिया गया, और उसके परिणाम स्वरूप खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया, उसके कारण देश का विभाजन हुआ। देश के विभाजन के समय में हमारे अंग्रेज लोग जो भागे वो कोई भारत छोड़ो आंदोलन के कारण नहीं भागे, उसको तो उन्होंने कुचल दिया था।
लेकिन सुभाष चंद्र बोस के कारण। तो सन 1954 में, 54 में जॉन गैलब्रेथ भारतवर्ष आए हुए थे, तो उस समय नेहरू जी ने उनसे कहा, आई एम द लास्ट इंग्लिशमैन टू रूल दिस कंट्री। लेकिन क्लीमेंट एटली, जिन्होंने, जिनके समय देश का विभाजन हुआ, वो अपनी निजी यात्रा पर कलकत्ता आए थे, राजभवन में ठहरे थे, और वहां उस समय पर एक्टिंग चीफ जस्टिस थे पीवी चक्रवर्ती। तो उनके घर में रात के समय भोजन हुआ, आपस में चर्चा होने लगी, तो उन्होंने उनसे पूछा कि देखिए, 1942 का आंदोलन खत्म हो चुका था, द्वितीय महायुद्ध में आप जीत चुके थे, फिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि आपको भारत छोड़ना पड़ा? उस समय उन्होंने कहा कि हमने भारत, भारत छोड़ो आंदोलन के ग्रणी था, हमने भारत नेताजी सुभाष के कारण छोड़ा। नेताजी सुभाष हम जानते हैं कि इधर अंडमान में भी आ चुके थे और उधर मोईरांग तक आ चुके थे, इम्फाल में आगे बढ़ने वाले थे। आगे बढ़ते तो सारे लोग पलक पावड़े बिछाकर उनका स्वागत करते, लेकिन उसी समय पर अमेरिका ने हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर एक बम डाल दिया, वो नष्ट हो गए, तो उनको पीछे जाना पड़ा, उनकी सारी रसदें, तो वो पीछे चले गए, सिंगापुर चले गए, और सिंगापुर चले जाने के बाद फिर ताइवान गए, और ताइवान से फिर हवा उड़ा दी कि नेताजी सुभाष चंद्र हवाई जहाज में उड़े और हवाई जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो गया। अब पूरा सिद्ध हो चुका है कि कुछ नहीं हुआ था। उसके बाद वो चलते हुए फिर से और मॉस्को गए थे, तो उस समय रशिया उधर चला गया था, उनको बड़े अच्छे ढंग से उन्होंने रखा। 1949 में अपने दो राजदूत थे, एक विजया लक्ष्मी पंडित और एक डॉक्टर राधाकृष्णन, दोनों उनसे जेल में मिले हैं। और उसके बाद 1954 में भारत आ गए, और भारत में अयोध्या के आसपास बिजनौर इत्यादि क्षेत्र के अंदर वो गुमनामी बाबा के नाते से रहे, तो कोई नहीं देख सकता था उनको, केवल उनके दो डॉक्टर और एक महिला जो उनके लिए भोजन वोजन बनाती थी, सरस्वती अम्मा, ये दो इनको देख सकते थे, बाकी कोई नहीं। लेकिन जब वो बोलते थे तो इस प्रकार बोलते थे जैसे आंखों देखा हाल बोल रहे हो। उनके 1985 में उनका देहांत हुआ, उस समय पर उनकी जो सारी डायरियां निकली, उस डायरी का जो हस्ताक्षर था और उनके जो पुराने हस्ताक्षर थे, दोनों मिलते थे, फॉरेंसिक हस्बेंड का नेताजी सुभाष चंद्र बोस के, तो 1985 तक हमारे पास में रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि ये सारा इतिहास भी जो है और हमारे सामने गलत लिखा गया, पुराना भी इतिहास, आधुनिक इतिहास, सब हमारे सामने गलत रखा गया। और सबसे बड़ी बात जो की गई कि हमारा संबंध संस्कृत से तोड़ दिया गया, इसलिए हमारे पास में जितना भी विज्ञान का ज्ञान है, वो ज्ञान आज हमको लगता है कि सब विदेशों से आया है। हमारे यहाँ हवाई जहाज भी उड़े हैं, बहुत सी चीजें उड़ी हैं, हर विषय के ऊपर हमारे यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे और ग्रंथ जो हैं आज भी विद्यमान हैं, और संस्कृत भारती ने उस दृष्टि से बहुत अच्छा प्रयत्न किया हुआ है। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारा सारा का सारा इतिहास हम देखें, तो ऋषि अरविंद ने कहा है, भूतकाल का गौरव, वर्तमान की पीड़ा और भविष्य के सुनहरे सपने जिस देश के नौजवानों की आंखों के सामने होते हैं, वही वास्तव में देश प्रगति करता है। तो जब तक हमारा भूतकाल कैसा गौरवपूर्ण था हम जानेंगे नहीं, तब तक कैसे बनेगा? और जो दुर्भाग्य से अपने जहां पाठ्य पुस्तकें चल रही हैं इतिहास में भी, वो वही चल रही है जो अंग्रेजों ने हमारे सिर पर थोपी है, भाषा भी वही चल रही है जो अंग्रेजों ने थोपी हुई है, आज हम उसी भाषा को लेकर के प्रयोग कर रहे हैं, हम सामान्य भाषा हमारी बिगड़ गई, हम हिंदी भी बोल नहीं पा रहे हैं, इस प्रकार की स्थिति हो गई। भाषा सीखना अलग विषय है, उसको माध्यम बनाना अलग विषय है, इसलिए माध्यम न बनाते हुए अपने भाषाओं को अपनी भाषाएं सिखाएं, उसमें नेशनल लैंग्वेज और रीजनल लैंग्वेज, यही मूलतः गलत है। हिंदुस्तान की सब भाषाएं नेशनल लैंग्वेज है, सब भाषाएं नेशनल लैंग्वेज, क्यों? भारत माता अपने आप को अनेक रूप से अपने आप को प्रकट करती है, तो ये सारी नेशनल लैंग्वेजेस हैं, एक लिंक लैंग्वेज चाहिए। हिंदुस्तान की कोई भी भाषा लिंक लैंग्वेज हो सकती है, तो चूंकि हिंदी सबसे ज्यादा बोली समझी जाती है, इसलिए उसको हमने लिंक लैंग्वेज मान लिया है, तो उस लिंक लैंग्वेज के आधार पर हम सब सीखे, अपनी भाषा सीखे, लिंक लैंग्वेज सीखे, और जिनको सीखना हो वो फिर अंग्रेजी क्यों? कोई भी भाषा सीखने में हमारे यहाँ पर 6 महीने से ज्यादा समय नहीं लगता, और दूसरी भाषा के हम कोई
विशेषज्ञ बन जाए, एक्सपर्ट बन जाए, इसकी कोई अपेक्षा नहीं रहती है। आज फ्रांस फ्रांस के अंदर कहां लोग इंटरनेशनल लैंग्वेज नहीं है, इंग्लैंड अमेरिका और जहां जहां अंग्रेजों का राज था उसको छोड़ करके और कहीं, और अंग्रेजी आज नहीं है, इंटरनेशनल लैंग्वेज बिल्कुल नहीं है, उसके आधार पर आप कुछ नहीं काम कर सकते। जो हो हम सब लोग इस बात को ध्यान में रखें कि हमारा इतिहास क्या था, हम क्या हैं और हमको आगे क्या बढ़ना है, इसको जान लेंगे तो निश्चित रूप से अपने देश को फिर से हम उठा सकेंगे। यहां पर सब लोग आए, विभिन्न समाज के तबकों से आए, देश की सुरक्षा से, अब यहां से हमको आगे क्या करना है उसके बारे में आगे और भी नीतियां बनेंगी और उन नीतियों के आधार पर संपूर्ण समाज को जागृत करना, क्योंकि एक को जहां समाज होता है उसमें जागृति जितनी रहेगी उतनी ही जो है जागृति देश के अंदर रहेगी। तो आया कि हमारे समाज के लोग कुछ जानते नहीं है क्या है देश के संबंध में, और हमारा विषय नहीं है समाज के चलते हैं, तो हमारे देश के लोग जाने क्योंकि उनका प्रभाव होना चाहिए, हमारे देश की सरकार जाने कि क्या होता है, हमारे देश के और जितने सेना के लोग हैं वो इस जान के कि हमारा इतिहास किस प्रकार रहा है, सेना का इतिहास कैसा रहा है, और हमारे यहाँ के विद्वान जो लोग इन सारी चीजें, ये सब मिल करके और अगर इस चीज को हम जानते हैं तो निश्चित रूप से हम निकट भविष्य में हम अपने देश को और दुनिया का सर्वश्रेष्ठ देश बना सकेंगे। इतनी बात कह करके मैं अपना कथन समाप्त।